कर दूंगा, तुमको प्रीमियम तत्काल की टिकट मिल जाएगी। रात में, सुबह सुबह है तो रात में तुम्हें स्टेशन पर रुक गया, तो मैं स्टेशन पर ही रात को रुक गया और सुबह सुबह ट्रेन लेके आया था। मुझे पता चला, अच्छा प्रीमियम तत्काल एक ट्रेन होती है, मतलब हर एक ट्रेन में वो डिब्बे होते हैं जो कि 4 घंटे पहले आप 6 घंटे पहले बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रगल भर के मैं वापसी 13 अप्रैल 2017 को पुणे के अंदर पहुंचा और वहां पर जाके अपने जॉब को ज्वाइन किया। चलिए, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं आपने जो मॉक दिए थे, काफी लोगों ने मॉक मिस किया था, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। एएम पीएम वालों का प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, बट बाकी लोगों ने अगर जानबूझ के मॉक को अटेंड नहीं किया तो बहुत गलत किया अपने साथ, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी हम लोग चल रहे हैं, आपने जो मॉक के इंटरव्यूज दिए थे ना उसमें, सॉरी, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा गलत इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मतलब प्रॉपर जो आंसर होना चाहिए इंट्रोडक्शन का वो इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे थे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में क्या इंट्रोडक्शन का आंसर होना चाहिए। दूसरी चीज, आज हम लोग असाइनमेंट्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैंने अभी रैबिट सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर लगाया हुआ है, आज रात में हो जाएगा 2024। तो कल एक साथ सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स देखेंगे और असाइनमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। अभी होप्स तो सबने प्लान नंबर 3 तक बना लिया होगा, प्लान और लेक्चर नंबर 5 तक वॉच कर लिया होगा। ओके, डोंट वरी, आकिब कर देंगे इस क्लास के बाद। सो मॉक इस टॉपिक पर हुआ था, मॉक अलग अलग टॉपिक्स पे थे, इंटरव्यू था पूरा का पूरा वो, ठीक है। आकिब, डोंट वरी, इसके बाद कर देंगे। एंड मॉक में क्या आंसर देना चाहिए जिसे इंट्रोड्यूस एसएलपी ने बोला, तो आपको एग्जैक्टली क्या आंसर देना चाहिए आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ। मैंने पूछा व्हाट्स योर हॉबी, तो आपको एक्चुअली में कैसे हॉबी रिप्रेजेंट करना चाहिए, व्हाट्स योर गोल, कैसे आपको गोल अपना रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसका एक पूरा टेम्पलेट दे रहा हूँ, जस्ट इसको रट जाओ। रट गए तो समझ जाओ इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव काम आप आराम से यहीं से बैठे बैठे कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले गौरव अपना थंब ऑन किया, मतलब कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, ऐसा गौरव बोलो। सर एक्चुअली मैंने मेरा रेविट 2023 था वो अनइंस्टॉल कर दिया है और 2022-20 डाउनलोड किया, लेकिन वो जो जहाँ पे वो 666 करके पिन मांगता है ना, उसके आगे वो बोल रहा है कि यू डोंट हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, वो उस पे नहीं जा रहा है, ये इशू हो रहा है। ठीक है, एक फाइल मैं दे दूंगा, उस फाइल को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और जैसे उसको इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और फाइल तो 25 MB की होगी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और उसको करने से पहले एक जगह जाके अनइंस्टॉल करते हैं, वो मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ अनइंस्टॉल करना पड़ता है, जाके अनइंस्टॉल करना। अनइंस्टॉल करने के बाद और फिर जब इंस्टॉल करोगे उस सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर मैं तुमको दूंगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और सर, ये अपन गूगल मीट पे जो क्लासेस कर रहे हैं सर, इनके लिंक भी शेयर कर दिया अरे कीजिए ना अभी सर। कैसे, अभी तो पता है ना तुमको, मैं विलेज में हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट का लिमिटेशंस है, मतलब एक वीडियो को अपलोड करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये मैं सारे रिकॉर्ड रखा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से जब जाएंगे, पुणे जाऊँगा 1 तारीख को, तो पुणे में सारे के सारे लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड तुरंत ही अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो अपना स्किल्स गुरुकुल का चैनल है उस पर अपलोड के तुम्हारे ऐप में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलेगा। और क्या बोलते हैं, हमारी जो क्लासेस हैं वो लगभग 1 तारीख से कंटिन्यू चलने वाली हैं। 1 तारीख तक आपकी क्लासेस ऐसे बीच में मौका जैसे मिलता रहेगा मैं करता रहूंगा। 24-25 को तो हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, तिलक सेरेमनी है तो उसमें पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद 28 और 29 को मेन शादी है उसमें भी पॉसिबल नहीं है। बट बिटवीन दिस एक दो क्लासेस जो भी पॉसिबल होंगे, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो इसलिए मैं क्लास को कंटिन्यू रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया तो मैं तुमको कैसे बोलूंगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो आज आपके असाइनमेंट्स तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने चल रहा हूँ जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा। या फिर ये कहिए कि कि मैं आपको जो सेट देने चल रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का सेट देने चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर BIM के ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिसके बाहर से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। वो बात की बात है, मैं पूरा भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रेविट पढ़ने के बाद पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरा फोकस रहेगा HR के जो आप क्वेश्चंस गलत किए हो आंसर्स, उनको ठीक करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले तुषार का भी बात रख लेते हैं। यस तुषार बोलो सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे बोलो। प्लान नंबर 2 भेजा था आपने सर, हाँ उसके साइड में लिखा था सर बिल्डअप एरिया और कवर्ड एरिया सर, अगर बिल्डिंग बाय लो के हिसाब से देखे तो उसका जो सेटबैक था वो रॉन्ग था उसका, और फिर जब एक पोजीशन भी उसकी किचन के जस्ट बगल में ही वॉशरूम था, तो सर उसको चेंजेस करके बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो,
फिलहाल वो जो प्लान तुमने देखा था ना, वो एक्चुअली पुणे का एक विलेज है, पुणे से टच एक विलेज है, उस विलेज का था। तो वहां पर बिल्डिंग बाय लॉ, जो विलेज का जो बिल्डिंग बाय, एक्चुअली विलेज के लिए बिल्डिंग बाय लॉ होता नहीं है, ठीक है, जस्ट एक छोटा सा पंचायत का रूल होता है, उसके रूल के हिसाब से लोग बनाते हैं, ठीक है। तो वो उसका था, लेकिन अगर जब ये चीज जब सिटी का होता है, कॉरपोरेशन का होता है, तो वहां पर बहुत ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहले क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली डीप नॉलेज लेते हैं, क्या क्या एचआर में रिप्रेजेंट करना चाहिए। बिलाल कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिलाल बोलो, बिलाल बोलो, बिलाल ऑन कर लो माइक अगर तुम कुछ बोलना है। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। जस्ट फोकस होके देखिएगा, एचआर के इंटरव्यू एकदम रेडी कर दूंगा आपको, एचआर के एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। चलो, और प्रोजेक्ट आज नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि बताया मैंने आपको कि मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पर लगाया हूँ आप ही लोगों के लिए, बट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और मोबाइल के वाईफाई से कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कई बार मैंने किया तो डिस्कनेक्ट हो गया, एक मैं पूरी लिस्ट ही बनी हुई है, और लेकिन आप शायद डिस्कनेक्ट ना हो ऐसा उम्मीद करके कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। होप कभी भी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, कब अच्छा होगा पता नहीं, ठीक है। देखिए कल जो मॉक इंटरव्यू लिया ना, लगभग लगभग मैक्सिमम लोगों का आंसर वो नहीं था जो होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आंसर, चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि सबसे कॉमन क्वेश्चन जो सबसे पहले पूछा जाता है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि इस इंसान से बात कितनी देर करनी है, ठीक है, क्या होता है वो? वो होता है इंट्रोडक्शंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर आपका पॉजिटिव चला गया, अच्छा चला गया, तो ये समझिए कि आगे का इंटरव्यू आपका पॉजिटिव ही सोचा सोच के किया जाएगा। तो क्या पूछा जाता है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या पूछा जाता है? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप सिंपल बताइए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, माई नेम इज एक्स वाई जेड, आई एम बेसिकली फ्रॉम एक्स वाई जेड प्लेस डिस्ट्रिक्ट, बट करेंटली लिव्स इन एक्स वाई जेड प्लेस, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर इन 2017, इन 2014, वन एवर इन बी सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस दिस आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th ईयर पे डिप्लोमा, करंटली आई एम परसुइंग माई बी आई एम प्रोफेशनल कोर्स फ्रॉम यूनिक सिविल, और यू कैन से कि करंटली आई एम परसुइंग माई बी आई एम प्रोफेशनल इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल, बोथ आर करेक्ट। दिस कोर्स इंक्लूड ऑटोकैड 2D, 3D, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स, रेविट MEP, नेविस वर्क, BM360, अभी और भी चीज ऐड हो गई जैसे पहले नहीं था जब ये PPT बनी थी, टेक्ला, नेविस वर्क एंड 3ds मैश, स्केचअप एंड अदर्स। इन दिस कोर्स अब देखो क्या कर रहे हैं, हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी इतनी लाजवाब हो रही है कि आपको इस चीज़ का बिलीव नहीं है। जब कंपनी में जाओगे, अभी एक लड़के ने कॉल किया था, क्या बोलते हैं, आपका सीनियर बैच का है, मैं उससे बात करने के लिए भी टाइम नहीं लग पाया, सौम्य करके लड़का है, तो वो खुद बता रहा था कि सर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ क्वेश्चन की वजह से उसका सिलेक्शन हो गया, रेवी स्ट्रक्चर्स, रेवी MEP, नेविस वर्क, रिस्ट्रिक्शन सॉफ्टवेयर। इन दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स इवन अदरवाइज, आप देखो कीवर्ड्स अपने आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम चमकाना है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स, कौन से 50+ प्रोजेक्ट्स इन विच इंक्लूडेड 2 रेसिडेंस, आप बोलती है 20 रेसिडेंशियल, 10 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स, 1 CAD 2 BIM प्रोजेक्ट, मेनी पैरामेट्रिक फैमिलीज फॉर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एंड MEPs इन ऑटोकैड आई हैव मेड। अब देखो क्या हो गया, पहले पूरा कोर्स समराइज कर दिया, अब एक एक सॉफ्टवेयर के वो डीप में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट, इसके बाद आपको बताना है इन ऑटोकैड आई हैव मेड आर्किटेक्चर स्ट्रीट विच इंक्लूड्स द फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। मतलब आपने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे ऑटोकैड में क्या क्या आता है। उसके बाद इन रेविट आर्किटेक्चर आई हैव मेड 3D मॉडल्स, रेंडरिंग, वॉक थ्रू, शेड्यूलिंग, क्वांटिटी टेक ऑफ, स्ट्रीट क्रिएशन एक्सेट्रा। आई ऑल्सो हैव पैरामेट्रिक फैमिलीज फॉर ऑल 3 डिसिप्लिन, मतलब मुझे पैरामेट्रिक फैमिलीज बनाना आता है रेविट के अंदर, आगे पढ़ेंगे आप लेक्चर नंबर 19 में। यहां तक बताने के बाद सामने वाले का एक्सप्रेशन देखिए, अगर उसका एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि वो बोर नहीं हो रहा है, वो बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, तो तुरंत अपनी फैमिलीज के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बोर हो रहा है सामने वाला,
तो तुरंत ही आप वहां पे दैट्स इट अबाउट माई सेल्फ, अदरवाइज यू कैन से कि आई ऑल्सो हैव क्रिएटेड पैरामीटर, यहाँ पर माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई लिव इन जहाँ पे भी रहते हो, माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू नोन न्यू थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन, कैन आई वर्क इंडिपेंडेंटली, माई हॉबीज आर एज वाई एक्स वाई जेड, एज अ पार्ट ऑफ माई हॉबीज आई हैव, जो भी आप करते हो उसको, अपने हॉबीज में कोई गोल्ड मेडल लिया है, कुछ भी अपने हॉबीज के रिलेटेड आपने किया हुआ है तो एक्सप्लेन कर दीजिए। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव गुड पोजिशन वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर टू हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन टू, दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। इतना इंट्रोडक्शंस अगर आपने बता दिया, गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शंस का 20% कॉन्सेप्ट क्लियर, समझिए, ये समझिए कि 20% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। माइक ऑफ कर देंगे प्लीज, कोई गलती से माइक ऑन कर दिया है, चलो ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन, सब देखिए अब कितना अरेंजिंग ऑर्डर में है ना, आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो, अपने ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हो, क्यों पर कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रेनी इंजीनियर हो, ट्रेनी बीम इंजीनियर हो, आगे आप बनने वाले हो ट्रेनी बी मॉडल या फिर बी मॉडल बनने वाले हो, तो नेक्स्ट स्टेज पर समझने के लिए पहले बैकग्राउंड को खूब ढेर सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, माई नेम आई एम बेसिकली फ्रॉम आई एम करंटली एम यहाँ आ रहा हूँ, आई डिड माई ग्रेजुएशन, आप बता दीजिए किस ईयर में हुआ, करंटली एम परसुइंग बीम प्रोफेशनल कोर्स फ्रॉम यूनिक सिविल, दिस कोर्स इंक्लूडेड जो भी आप सॉफ्टवेयर जानते हो कि ये हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बता दो, इन दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, 20 रेजिडेंशियल, 10 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, इस तरीके से आपको जो जो किया आपने सच सच बता दो। इन ऑटोकैड आई हैव मेड आर्किटेक्चर सीट, इंक्लूडेड फ्लोर प्लान, सेक्शन एलिवेशन, साइट प्लान, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा। इन रेविट आई हैव डन 3D मॉडल, रेंडरिंग, वॉक थ्रू, शेड्यूलिंग, क्वांटिटी टेक ऑफ। अब देखो क्या हो गया, उसको ये आइडिया लग गया कि सामने वाले को ऑटोकैड और रेविट में कितना आता है, और जब टेक्ला पढ़ लेंगे तो टेक्ला का भी दो लाइन ऐड कर देंगे। ये करके आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, ये समझिए आपका करियर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कर दिया। इसके बाद सामने वाला पूछेगा, व्हाट्स योर करियर गोल, तो व्हाट्स योर करियर गोल, टू वर्क इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस माई स्किल्स, क्या टू वर्क इन, कल मैंने कई लोग से ये क्वेश्चन पूछा था, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस माई स्किल्स एंड नॉलेज अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने क्या किया, उनको बताया कि भाई हमको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सीखने के लिए और कंट्रीब्यूट कर सकूं मैं आपके कंपनी के लिए, मतलब मैं सिर्फ मतलब भी नहीं हूँ, मैं आपको भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ और आपसे कुछ सीखना भी चाहता हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल, ठीक है, वो पूछते हैं कि आप इस जॉब रोल के लिए क्या, कौन बताया, यूनिक्स विल पर सुना या कहीं और सुना, आई सॉ दिस ओपनिंग्स ऑन इंडीड एंड फील्स दैट माई स्किल सेट आर सूट टू दिस पोजिशन, सो आफ्टर दैट आई अप्लाइड फॉर द कंपनी वेबसाइट। इन्होंने इंडीड पर देखा, आप बता सकते हैं जहां पर आपने देखा। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, ये हर कंपनी पूछती है कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर इसी को रूपांतरण कर देती है कि व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है, मैं ज्वाइन करूं या फिर आप करना चाहते हो, तो आपको बताना है कि आई वॉन्ट टू मेक माई कैरियर इन बीम इंडस्ट्रीज एंड आई बिलीव दैट योर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, इज रेपुटेड फॉर द सेम, ठीक है, आई फील दैट माई स्किल्स आर वेल सुटेड फॉर दिस पोजिशन एज आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस जॉब रोल, ऑल्सो माई फ्रेंड आर वर्किंग इन योर कंपनी दैट सेट द कंपनी कल्चर इनकरेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये लास्ट वाली लाइन तब ऐड करना है जब आपका कोई फ्रेंड या फिर मेरा कोई स्टूडेंट उस कंपनी में ऑलरेडी लगा हुआ है, आप उसका नाम जानते हैं, तो लास्ट के ऊपर के दो लाइनें भी बोल दिया, तो दैट इज सफिशियंट कि मुझे बीम इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है और आपकी कंपनी इसी में काम करती है, आई फील कि मेरा जो स्किल है वो सुटेड है आपकी पोजिशन के लिए, इसीलिए मैंने अप्लाई कर दिया। कितना अच्छा आंसर है, ठीक है, छोटा सरल और आसान तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है व्हाई डू वी हायर यू, या फिर व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है, तो एक घिसा पिटा आंसर मत दो, ठीक है, थोड़ा सा न्यू आंसर करो, क्या, आई न्यू टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई एश्योर दैट आई विल गिव माई बेस्ट टू योर कंपनी, आई विल नॉट ओनली वर्क इन योर कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट, इस तरीके से बोलते हो तो क्या हो गया, घिसा पिटा आंसर आपका बंद हो गया, कुछ यूनिक आंसर निकल के आ गया।
व्हाट्स योर वीकनेसेस? आई एम अ डिटेल ओरिएंटेड, सबसे अच्छा वीकनेस है आपका, जो वीकनेस है आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो इसका भी आंसर कुछ खास लोग नहीं दे पाते हैं, तो आपको आंसर क्या देना चाहिए? इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट द वर्क विथ दैट आई एम डूइंग्स, ठीक है, टू वर्क दिस रियलिटी आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड लर्न लॉट फ्रॉम योर कंपनी, ठीक है, इसको रियल बनाने के लिए, सच बनाने के लिए मैं आपकी कंपनी में ढेर सारी चीजें सीखूंगा और मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाऊंगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स? ठीक है, सबकी अचीवमेंट्स अलग हो सकती है, कोई गोल्ड मेडल पाया होगा, कुछ पाया होगा, कोई डिग्री कंप्लीट किया होगा, तो बता सकते हो कि माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स वॉज कंप्लीटिंग माई बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास विथ डिस्ट्रक्शन, या फिर फर्स्ट क्लास भी हो तो भी बता सकते हो कि फर्स्ट क्लास। कई लोग ऐसे रिज्यूमे आपके लिखा रहता है कि 9.8 CGPA या फिर SGPA, तो इंटरव्यूअर का ध्यान जाता है कि अच्छा ये CGPA SGPA लिखा है, पता करते इसको पता है कि नहीं। तो CGPA होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और SGPA सॉरी SGPA होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA होता है कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। एक और क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है, अगर वो कंपनी एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, बड़ी एमएनसी है, तो क्या, व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो? बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरव्यू में कंपनी के बारे में पढ़ के जाए, और याद रखिए बड़ी कंपनी है तो अपनी कंपनी के बारे में जरूर पूछना चाहती है, वो देखना चाहती है आप अपनी कंपनी के लिए कितना रेडी है, कितना प्रिपेयर किए हुए हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाई कंपनी विजन एंड मिशन एंड फिलोसफी एंड कोर वैल्यूज। द विजन ऑफ द कंपनी इज, कहाँ से देखोगे, गूगल से देख लो, उनके वेबसाइट पर लिखा रहता है। द मिशन ऑफ द कंपनी इज, द फिलोसफी ऑफ द कंपनी इज, कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनी आर, ठीक है, ये बता दिया आपने कंपनी के बारे में। द सीईओ ऑफ द कंपनी इज मिस्टर XYZ, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज मिस्टर XYZ, उसको कितना अच्छा लगेगा, जिसको विजन भी पता है, मिशन भी पता है, फिलोसफी पता है, वैल्यूज भी पता है। मान लो इसमें से कोई चीज वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है तो उसको मिस कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अभी उसको और बताइए, क्या बताइए, कंपनी इज स्टार्टेड इन, कंपनी स्टार्ट हुई दिस ईयर एंड दिस इज आईएसओ 19001 2015 सर्टिफाइड कंपनी, कंपनी हैज बेस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड हैविंग स्टेज आउटसोर्सिंग प्रोसेस एंड हेडक्वार्टर इज इन, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर सिविल मैकेनिकल आर्किटेक्चर एंड BIM। आपकी कंपनी और क्या काम करती है, कैट टू बीम का काम करती है, पॉइंट क्लाउड की काम करती है, पैरामेट्रिक फैमिली स्केलेशन की काम करती है, कंस्ट्रक्शन विथ LODs के काम करती है, क्रिएटिंग रेंडरिंग एंड वॉक थ्रू का काम करती है, क्वांटिटी टेक ऑफ का काम करती है, स्ट्रक्चरल रेविट सर्विसेज का काम करती है, रेविट MEP का काम करती है। इतना जब आप उस कंपनी के बारे में बता दोगे तो आप आइडिया लगाइए कंपनी क्या सोचेगी आपके बारे में, कि कितने ग्रेट, कितना डीपर लेवल का एम्प्लॉई है जो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन लेके आया है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, जब किसी कंपनी को अप्लाई करो तो एक एक्सेल शीट में मेंटेन करो कि मैंने इस डेट को इस कंपनी में अप्लाई किया था, सो जैट कभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन आए तो आपको पता रहे कौन सी कंपनी है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के जाएंगे। तो आपको मैंने कई चीजें बता दिया अबाउट कंपनी, वीकनेसेस के बारे में, व्हाई शुड आई हायर के बारे में, नेक्स्ट 5 ईयर के बारे में, बिगेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास का हेडलाइन कह सकते हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यहाँ पर कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने इंटर्नशिप को हाईलाइट करवा दिया, पर मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इसी के बीच में एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। पहले आपको अपनी ट्रेनिंग हाईलाइट कर लेना है, जब ट्रेनिंग की बात खत्म हो जाए तो वहां पर आपको दिखा देना, करंटली आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दिस कंपनी, या फिर बिफोर दिस ट्रेनिंग आई वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी एज दिस प्रोफाइल। ज्यादा उस प्रोफाइल, ज्यादा उस कंपनी को नहीं डीप में लेके जाना है, क्योंकि उस कंपनी या उस प्रोफाइल को ज्यादा डीप लेके जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपका रेविट खत्म हुआ, पैरामेट्रिक फैमिली खत्म हुआ, यहाँ पर एक लाइन पहले बोल के तब माई फादर एंड मदर होना चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आई एम करेंटली वर्किंग विद दिस कंपनी, या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक सॉरी ऑल्सो बिफोर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर इन दिस कंपनी एंड माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज स्मॉल, में एक दो लाइन बताओ, उसके बाद ओके, ठीक है। फिर इस पे हाईलाइट, ट्रेनिंग को हाईलाइट क्यों करना है, क्योंकि ट्रेनिंग को अगर हाईलाइट करोगे तो मैक्स पॉसिबिलिटीज होगा कि सिलेक्शन आपका जल्दी होने का चांस रहेगा,
इतना बता देंगे दैट इज सफिशियंट फॉर कंपनी, ठीक है, और ये सफिशियंट है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद थोड़ा सा भीम का नॉलेज पूछती है कंपनी, क्या पूछेगी, व्हाट यू नो अबाउट ऑटोकैड, जो भी सॉफ्टवेयर आप जानते हो उसके बारे में जरूर पूछेगा। ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, आपको पता ही है। वी हैव टू ड्रॉ वेरियस व्यूज सच एज एलिवेशन सेक्शन मैनुअली, फॉर वॉल ड्रॉइंग्स वी हैव टू यूज ऑफसेट कमांड टू कंप्लीट इट, फॉर शेड्यूलिंग्स यूजिंग ऑटोकैड इज मैनुअल एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। ये आपने ऑटोकैड के बारे में बता दिया जो शॉर्ट आपको पता था। फिर कंपनी पूछ सकती है व्हाट यू नो अबाउट रेविट, तो रेविट इज अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, वी डोंट नीड टू ड्रॉ एनी एलिवेशन और सेक्शन, इट विल बी गिव द सिंपल सिंगल क्लिक फॉर द वॉल, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द सिंगल लाइन फॉर शेड्यूलिंग्स यूजिंग रेविट्स ऑटोमेटिक। रेविट सपोर्ट बी आई एम वर्क फ्लो, बी आई एम में ये हेल्प करता है, रेविट मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। रेविट एडवांटेज क्या है, मल्टी डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमएपी तीनों काम कर सकते हैं, पैरामेट्रिक कंपोनेंट बना सकते हो, टेबल चेयर एंड एवरीथिंग, नो रिपीटेशन, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, स्केप डिजाइन बहुत अच्छे, लैंडस्केपिंग डिजाइन बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंट्री डिफरेंट डिजाइन, नो पेपर डॉक्यूमेंटेशन, पेपर पर कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप डिजिटली कर सकते हो। रेबिट की भी लिमिटेशन हो सकती है, येस, लैक ऑफ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल डेटा हो इतना ईजी नहीं है उसमें, लार्ज फाइल साइज, एक छोटे छोटे काम के लिए बहुत बड़ी बड़ी फाइल बन जाती है, द टाइम कंज्यूमिंग वाइल फैमिली क्रिएशन, जब फैमिली बनाओ भी कुछ डोर विंडो आगे बनाओगे आप तो देखोगे कि बड़ा टाइम लग रहा है केक को बनाने में। सम कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू क्लोज लूप सिंगल प्रोफाइल, जैसे स्लैब बना रहे होगे तो कहीं पर भी खुला रह गया वो एडिट टाइप तो बनता नहीं है, ठीक है, तो क्लोज लूप में काम नहीं करता, रिक्वायर हाई सिस्टम कॉन्फिगरेशन, नॉर्मल सिस्टम कॉन्फिगरेशन पे ये चलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे इसके रेबिट एक्चुअली में कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो रेबिट तीन पार्ट में डिवाइड है। ये इंटरव्यू का ये जो पीपीटी दे रहा हूँ आपको, आप चाहे जिससे पूछ लीजिएगा इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आया था, ये फिक्स है किसी पीपीटी से आएगा, आया होगा, ठीक है। रेबिट एलिमेंट की बात करें तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, मॉडल एलिमेंट, डेटम एलिमेंट, व्यू स्पेसिफाइड एलिमेंट। मॉडल एलिमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, होस्ट और मॉडल कंपोनेंट। होस्ट के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, वॉल, फ्लोर, रूफ, सीलिंग्स, और मॉडल कंपोनेंट के अंदर डोर, विंडो, फर्नीचर, स्टेयर्स। डेटम में लेवल, ग्रेस, रेफरेंस प्लेन, व्यू स्पेसिफाइड स्पेसिफिक एलिमेंट में एनोटेशन एलिमेंट्स, डिटेल्स। एनोटेशन में क्या आता है, टैग आता है, सिंबल्स आते हैं, टेक्स्ट नोट आता है, डायमेंशंस आता है, और डिटेल्स में क्या आता है, डिटेल लाइंस आता है, फील्ड रीजन आता है, 2D डिटेल कंपोनेंट्स आता है, ये सब किसमें आता है, रेविट एलिमेंट में आता है। अब देखो आर्किटेक्चर एलिमेंट की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर एलिमेंट्स आर द एस्थेटिकल पर फॉर द एस्थेटिकल पर्पस, किसके लिए होते हैं, वो एस्थेटिक लुक के लिए होते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर लोड बेयरिंग इन विच वी कैन ऐड द रेनफोर्समेंट, तो रेविट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट ऐड करेंगे। रेविट आर्किटेक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल एलिमेंट आर फॉर द एस्थेटिकल पर्पस, लुक बनाने के लिए काम आता है। एक और इसमें आगे आप पढ़ेंगे मासिंग एंड साइट करके, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कॉन्सेप्चुअल मास, टाइटल ब्लॉक, एनोटेशन, उसमें क्या करेंगे, क्लोज मॉडल्स बनाते हैं। जब कभी भी बीआईएम का इंटरव्यू हो तो वहां पर व्हाट इज बीआईएम ये ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर आपको आंसर क्या करना है, मैं भी नहीं पूछा था आपसे, बीआईएम इज द प्रोसेस इन विच वी कैन मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेस, ठीक है। क्या करते हैं, इंटेलिजेंट 3D, पहले भी 3D मॉडल बनाते थे बट बीम मॉडल क्या है, वो इंटेलिजेंट 3D मॉडल है, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, डायमेंशंस जरूर पूछेंगे बीआईएम के इंटरव्यू में, जैसे कि 1D। 1D क्या है, रिसर्च एंड प्लानिंग्स, क्या है, रिसर्च एंड प्लानिंग, तो रिसर्च एंड प्लानिंग का काम करते हैं नॉर्मल रिसर्च के, वेदर कैसा रहेगा, रेगुलेशन कैसा रहेगा, साइट इन्वेस्टिगेशन, ये सब। 2D में क्या देखते हैं, 2D में देखते हैं ड्रॉइंग्स, प्रोडक्शन ऑफ 2D ड्रॉइंग्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, व्यू, प्लान, ये सब देखते हैं। 3D में आप जानते ही हो मॉडलिंग जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, आज आप एक बड़े प्रोजेक्ट की मॉडलिंग करोगे, अब तक आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट की मॉडलिंग करते थे, आज आपके लिए सरप्राइज मॉडलिंग है जो कि थोड़ा मजेदार है, क्या है दिखा देता हूँ, जस्ट याद आ गया तो, ठीक है, आज आपको ये मॉडल करना है, कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है, ठीक है, जस्ट आपने लेक्चर 5 तक वॉच किया है, इसी से ट्राई करेंगे आप, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कंपोनेंट नहीं बनेगा वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। आज आपका काम यही है कि आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इसकी कैड फाइल आपको दी जाएगी, ठीक है, पूरा ही दिया जाएगा, उसको देख के आपको बनाना रहेगा, यहाँ देखिए प्लान करके फाइल है, ठीक है, जिसको टाइम मिलेगा वो लेक्चर 6 वॉच करना, बट कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है चौधरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है।
चलिए, तो मॉडलिंग जो हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट है 4D। क्या होता है 4D में? टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्लैश डिडक्शन, कोलेब्रेशन, विजुअल कंस्ट्रक्शन, शेड्यूलिंग्स, टाइम लाइनिंग्स, इक्विपमेंट डिलीवरी एंड प्री फेब्रिकेशंस, ये सब हम लोग क्या करते हैं 4D में, ये सब हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है 5D। 5D में क्या होता है? 5D में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। डिटेल कॉस्ट एस्टिमेशन, मटेरियल टेक ऑफ, क्वांटिटी एक्सट्रैक्शन, कॉमन कंपैरिजन लॉजिस्टिक्स, व्हाट इफ सिनेरियोस एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट, ये सब किस में करते हैं? ये सब हम लोग 5D में करते हैं। 6D में क्या करते हैं? 6D में हम लोग बिल्डिंग का परफॉर्मेंस, ठीक है, बिल्डिंग परफॉर्मेंस करते हैं चेक। ठीक है, आप ऐसे पॉइंट्स याद रखोगे, बड़ा आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू में। इसमें हम लोग क्या बोलते रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि लीड है, IGBC है, ब्रिया है, ब्रीम है। कोई कोई पूछ लेता है लीड का फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये लोग क्या कर चेक करते हैं कि कितना एनर्जी आप सेव कर रहे हो। IGBC चेक करता है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, मतलब बिल्डिंग कितना ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग्स कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, 20%, 30%, 50%, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है इनको, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड वगैरह का। ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेशनल असेसमेंट। ब्रीम, ब्रीम क्या होता है? बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन्वायरमेंट एसेट मेथड्स। 70 क्या होता है? 70 होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। क्या होता है? फैसिलिटी मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल बीम स्ट्रेटजीज, जिसमें चेक करते हैं बीम एज बिल्ड, मेंटेनेंस देखते हैं। 8D क्या है? इसमें सेफ्टी देखते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी प्लान वगैरह को 8D के अंदर देखते हैं। तो सेफ्टी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, बिल्डिंग परफॉर्मेंस, कॉस्ट, टाइम, मॉडलिंग, ड्राइंग्स, रिसर्च। तो आपको पूरा 1D से लेके 8D तक पता चल गया। अब आता है LOD, लेवल ऑफ डिटेलिंग्स, या फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो LOD 100 में क्या आप करते हैं? कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का प्लान करते हैं। LOD 200 में सिस्टमेटिक, पूछा था ना मैंने, कई लोग गलत बताए थे। LOD 300 में डिटेल डिजाइन, LOD 350 में कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, LOD 400 में फेब्रिकेशन असेंबलीज, एंड LOD 500 में एज बिल्ड। तो ये क्या हो गया? बीम्स से रिलेटेड इतना क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, बेसिक लेवल पे कुछ बचा ही नहीं आपको बताने के लिए, कुछ आंसर्स करने के लिए। तो आज आपका काम यही है कि आपको चौधरी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है, जो टाइम बचेगा इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद क्या, इस सबसे लास्ट में आ जाना, सबसे लास्ट यानी 9 नंबर पेज। यस 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 यस, ठीक है ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाले पेज से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप डिस्कस करना स्टार्ट करना, चाहे तो इसको छोड़ के यहाँ से भी कर सकते हो, ये लास्ट वाला पेज लेक्चर नंबर 9 से। ठीक है, यहाँ पर जनरल सिविल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको याद करना है, आपके अपकमिंग मॉक और MCQ टेस्ट दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे। डेंसिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो। RCC कौन फाउंडर था, डेंसिटी क्या होती है सैंड की, एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी होती है, 9 इंच की वॉल कितनी होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्लैब सॉफ्ट ईंट क्या को कितने दिन में ओपन कर सकते हैं, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, टेस्ट ऑन कंक्रीट, कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC कितना होता है, मैक्सिमम ग्रेड PCC को कितना होता है, लेंथ ऑफ स्टील बार कितने का यूज कर सकते हैं, कॉलम में क्या चीज कितना प्रोवाइड कर सकते हो, ब्लेडिंग्स वगैरह क्या होती है, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज क्या होती है, कन्वेंशनल ब्रिक साइज क्या होती है, कॉलम में स्टील कितने परसेंट डालते हैं, बीम में कितने परसेंट स्टील, फुटिंग में कितने परसेंट स्टील, ये सब आप देख सकते हो, लैप लेंथ कितना प्रोवाइड करते हैं किन चीजों में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती हैं, उसके बाद जो M5, M17.5, M10, M15 का क्या मिक्स प्रोपोर्शन होता है, जनरल प्लास्टिंग कोड क्या होती है, स्लैब में कितने डाया का बार यूज कर सकते हैं, मिनिमम डाया रेक्टेंगुलर बार कितना होता है, ये है पूरा का पूरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग्स। और ये आपको आज पढ़ना है, पढ़ के तैयार करना है अपकमिंग मॉक के लिए, ठीक है, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर कर पाए। कई लोग मॉक को मिस किए थे, तो जनरली जल्दी ही फिर से मॉक करेंगे, जिससे कि जिसका मिस हुआ था वो लोग का कवर हो जाए, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको चाहो तो एक साथ तैयार कर लो, या फिर ऊपर से पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, लास्ट का 2 पेज और स्टार्टिंग का 2 पेज। वैसे तो ये पूरा का पूरा पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक एक लाइन पढ़ाने वाला हूँ, बट स्टार्टिंग का 2 पेज और एंडिंग का 2 पेज पढ़ना है आपको। अभी टोटल 11 पेज है, अगर इतना आपने पढ़ लिया, ये समझिए कि आपका स्ट्रक्चर, सॉरी, BIM का जो इंटरव्यू है, आराम से क्रैक हो जाएगा, ये फिक्स है, आराम से क्रैक हो जाएगा।
ठीक है, यहां तक में किसी को कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, यू कैन आस्क। ठीक है, बिलाल कुछ बोलना चाह रही है? यस बिलाल बोलो, आप बस थम ऑन कर लेंगे अगर कुछ आपको बोलना रहेगा तो। बिलाल को आवाज नहीं आ रहा, कोई और कुछ पूछना चाह रहे गाइस? ठीक है, अभी हमारी एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग रैबिट के मॉडल चेक करेंगे। कोशिश करता हूँ रात में अपलोड हो हेलो जाए सॉफ्टवेयर। यस बिलाल बोलो। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि रैबिट में हम दो तरह से मॉडलिंग कर सकते हैं। करेक्ट, एक तो हम कैड कैट फाइल इंपोर्ट, हाँ या दूसरी बात है कि हम डायरेक्ट 3D बना लें। करेक्ट, तो मैं मतलब खुद जो फील कर रहा हूँ, तो मैं दोनों में फ्लेक्सिबल हूँ, तो फिर भी मुझे कौन सा प्रेफर करना चाहिए? एक्चुअली इसमें दो नहीं होता है, इसमें कई मॉडल तरीके हैं इसमें बिलाल। मतलब इसमें स्कैन टू बीम का फाइल आएगा, कैट टू बीम का फाइल आएगा, खुद से क्रिएट करने का आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो काम आएगा कैट टू बीम का आएगा। कैट जो अभी रेबिट की फाइल को इम्पोर्ट कर लो, उसके ऊपर काम करो, ये सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, PDF भी आता है। ठीक है, तो बेटर है कि कैट टू बीम का प्रैक्टिस रखो। ठीक है, और ओके जब सर। जब कोई प्लान का प्लान अवेलेबल नहीं है तब नॉर्मल कर लो। सर आप मैंने आपके पुराने वीडियोस में देखा था कि आपके पास एक PDF था जिसमें आपने ये LOD जो डिफाइन किया हुआ था, तो वो हाँ वाला PDF शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगे तो मुझे एक फोटो खींच के भेज देना, जो भी पॉसिबल हो, तो उसका डायरेक्ट ही वही वाला भेज दूंगा। मैं भेज तो दूंगा, पर क्या पता वही ना हो। ठीक है, तो मुझे भेज देना, मैं सिंपली से भेज ओके दूँगा। ठीक है, या फिर बता देना इस सर, लेक्चर में एक सर आपको करना है। लास्ट एक लास्ट लास्ट बोलो एक बोलो चीज और बोलो, ये आराम से बोलो। सर, मैंने वो मतलब ऐसा हुआ था कि मैं भी ये मॉक टेस्ट नहीं अटेंड कर पाया था, करेक्ट, तो पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपने जो PDF भेजी है, तो आप एक इस मतलब इसी पर कंडक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट मॉक अगर हो सके आपसे नेक्स्ट तो। मॉक अभी होने वाला है, लाइक इस वीक के अंदर ही होने वाला है, फ्राइडे को या फिर थर्सडे को या फिर कल भी हो सकता है। ठीक है, बिना बताया होगा, क्योंकि उसका डेट होता है मंडे, तो जी किसी भी जी डे रख देंगे। ठीक है, सर, ये चलो, PDF प्रिपेयर कर लेंगे बिल्कुल। हाँ इस PDF को प्रिपेयर ओके कर थैंक यू लोगे सर। तो मैक्सिमम मॉक रेडी कर लोगे, ये जान लो। ठीक है, ओके चलेगा। थैंक यू सर। ओके जी, रमेश राजे कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस रमेश बोलो। सर मैंने आपका जो ड्राइंग मिला था वो फुटिंग फुट में था, फीट हाँ में था, लेकिन मेरे हाँ को आदत है कि मीटर में MM में ड्राइंग करने की। तब करेक्ट, तो मेरे को दिक्कत आ रहा था क्योंकि जो 9 इंच का वॉल रहता है, 6 इंच का वॉल रहता है, तो 6 इंच का वॉल का MM में कन्वर्ट कर रहा है तो 152 आ रहा है, 0.2 या 0.5 आता है, और अंदर का डायमेंशन मैच करेंगे तो वो भी मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को वॉल का साइज अलग लेना पड़ रहा था, जो कि 150 लेना चाहिए वो 152 लेना पड़ रहा है, और अंदर का डायमेंशन कौन सा, तो एक डायमेंशन मैच हो रहा है, एक तो अंदर का वॉल मैच हो रहा है, नहीं तो वॉल का मैच हो रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था कि लेवल में, मैं लेवल में इस डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में लेवल डालता हूँ, तो लेकिन वो वहां पर स्ट्रक्चरल प्लान या फ्लोर प्लान पे लेवल नहीं दिख रहे, लेकिन कॉपी पेस्ट करते वक्त मेरे को वो कॉपी ऑन क्लिपबोर्ड करता हूँ और मैं पेस्ट करने जाता हूँ, तब मेरे को वो पूरे लेवल दिख रहे हैं, वैसा क्यों हो रहा है? ओके, देखो उसमें दो चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि हमें दोनों यूनिट में परफेक्ट होना है। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि यूनिट्स का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यूनिट्स हमें अगर हम किसी आर्किटेक्ट की कंपनी में लगे, ये फिक्स मान लो फीट इंचेस में काम करना पड़ेगा। किसी स्ट्रक्चर वाले की कंपनी में लगे तो समझ लो कि मीटर में काम करना पड़ेगा। तो यू मस्ट रेडी इन बोथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना छोटा सा टॉलरेंस, बिल्कुल सही बोला बिलाल ने, इतना छोटा टॉलरेंस जो होता है एक्सेप्टेबल होता है। तो 52 और 50 बोथ आर सेम, उसमें कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, दोनों को सेम लेके कंसीडर कर सकते हो। दूसरा जो तुमने डाउट पूछा है, क्या बोला तुमने दूसरा वाला रमेश? लेवल का लेवल्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वो क्या होता है, जब तुम रेबिट की फाइल को, ऑटोकैड की फाइल को इम्पोर्ट करते हो, तो जरूरी नहीं कि तुमने सेंटर पे किया हो, तुमने जस्ट इम्पोर्ट किया होगा। ठीक है, तो जब उसको एग्जैक्ट जब इम्पोर्ट करते समय वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है बगल में, सेंटर टू सेंटर। तो जब तुम सेंटर टू सेंटर करते हो तो बहुत लेस चांसेस रहते हैं उस प्रॉब्लम को करने में, तो ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको करने दो आराम से। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, सेंटर पे आने लगेगा, फिर तुम जहाँ चाहोगे उस एक्सिस पर आने लगेगा, वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वो प्रॉब्लम वो नहीं था सर, कि वो जो मेरे को ड्राइंग करना था कि पैराफिट पे टेरेस पे मेरे को पैराफिट लगाना था या समझ ऊपर गया, का ओवर बनाना था, लेकिन वो वहां पर मेरे को वर्किंग कर, लेकिन वहां पर मैं फ्लोर प्लान क्लिक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मेरे को दिख ही नहीं रहा था कि स्ट्रक्चर फ्लोर प्लान पे, लेकिन बाद में मेरे को अभी आधे घंटे पहले मैंने पूरा दोबारा 3 बार ट्राई किया, 3 4 बार मैंने वो ग्रुप पे भी डाला था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि मैंने लेवल डालते वक्त 2 लेवल मैंने मैन्युअली डाले और 2 लेवल मैं कॉपी पेस्ट करके डाला था,
जो कॉपी किया वाला लेवल को मैंने नाम दिया, सब सही किया, लेकिन वो फ्लोर प्लान पे जो आता है ना, फ्लोर प्लान सेलेक्ट करके वहां पर वर्किंग करता है, तो वहां पर नहीं आ रहे थे। बाद में मैंने जब माइनस, मेरे को लेवल बेसमेंट का नीचे का लेवल करना था, मैंने माइनस वन मीटर के लिए मैंने डाल दिया, जनरली डाल दिया कि ऐसे मेरा लेवल बेसमेंट है, तो मैनुअल डाला तो वो लेवल ऊपर आ गया। लेकिन बाद में देखा कि अगर मैं मैनुअल डालता तो आता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करते वक्त तो वो नहीं आ रहा था, इसलिए मैनुअल मैंने डाल दिया, उसके, ये तो तुमने खुद ही रिसर्च कर लिया ना। ठीक है, नहीं तो बहुत बार दिन भर सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, ग्रुप पर भी मेरे को बोल रहे थे कि नहीं पिन करो, सब पिन करके ट्राई किया लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, कोई और बात एक नहीं, लेवल मैन्युअली डाला तो नीचे आ गया। ये बहुत अच्छा है रमेश। क्या होता है कि जब हम इन चीजों पर रिसर्च करते हैं, जैसे तुमने बोला ना पूरे दिन मैंने सोचा, अब ये फिक्स है कि लाइफ टाइम तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल हो चुके हो, है ना। तो ये कोई, लेवल 16 लेवल हो गए, मेरा काम चल रहा है सिर्फ 3 फ्लोर तक, नहीं लेवल 16 रहे लेकिन एक भी कोई लेवल दिक्कत नहीं नहीं, दिखा, कोई दिक्कत बाद में नहीं, मैन्युअली 4 लेवल डाला तो मैन्युअली लेवल आ रहे कोई लेकिन दिक्कत कॉपी नहीं। पेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज द लर्निंग्स, कि हमको मैनुअली ही डालना है लेवल्स। ठीक है, और मैनुअली लेवल डालेंगे तो हमको हमेशा शो करेगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसमें बेनिफिट ये है कि हमने पूरा दिन लगाया है, इसलिए जिंदगी भर की नहीं भूलेगा। ठीक है, तो दैट इज द राइट इन्वेस्टमेंट जो तुमने पूरे दिन में किया है। ठीक है, आराम से मैनुअली करो, मैनुअली से तुम्हारे, मैनुअली से ही एक्चुअली पूरा दिखाता है, और दिखाता ऑटोमेटिक से भी है, कॉपी से भी। बट कभी कभी क्या होता है कि फ्लोर में थोड़ा सा एक एमएम का भी डिफरेंस रहता है, उसको नहीं रीड कर पाता है, उस वाले फ्लोर पे गए तो डायरेक्ट वो शो नहीं करता है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम कंटिन्यू करो। ठीक है, और कितने मॉडल कंप्लीट कर लिए अब तक में? दो किए, दो भेज भी दिए मैंने, ठीक है, तीन कर रहा था लेकिन वो एक ही अटक गया, तो बाद में बहुत कोई बात सोचा नहीं, कोई बात और नहीं। कंपोनेंट का ट्राई कर रहा था देखो ये वो फिक्स नहीं होता बन है, रहा है। इसमें फिक्स होता है रमेश, कि जब 10 मॉडल बना लोगे, ठीक, 10 मॉडल्स, ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, सबको बता दे रहा हूँ, 10 मॉडल्स के बाद आपको कोई डाउट आएगा तो आई विल हेल्प यू, क्योंकि 10 मॉडल्स तक आप सीखते जाओ। ठीक है, 10 मॉडल के बाद ऑटोमेटिक डाउट ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इतने परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो टेन रैंप मॉडल करते हो, यस मैंने ब्रो, क्लास देखा था आपका, पूरे क्लास मैंने 5 बार देखे, इसलिए करेक्ट, मैं क्लास बिना देखे मैं ट्राई करा था, लेकिन हाँ रैंप बनाते वक्त मेरे को आधा घंटा गया, तो हाँ रैंप प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रहा था, सामने फ्रंट साइड को मैंने स्टेयर केस डाला, रैंप डाले लेकिन रैंप प्रॉपर बैठ नहीं रहा था, फिर करेक्ट, भी एक बार देखा, 15 मिनट नहीं किया काम, बाद में करना शुरू किया क्योंकि देख करेक्ट, रहा था कि कोई प्रोसेस गलत होता है क्या, वो सही रहता है दिमाग में। करेक्ट। इससे एक बेनिफिट तुम्हारा ये भी हुआ कि तुम्हें ना लगन है उस चीज को करने के लिए, मजा आ रहा है तुम्हें उस चीज को करने के लिए, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग द रिसर्च। ठीक है, और ये रिसर्च को कंटिन्यू रखो, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, चलो मैं और लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिससे सबका क्वेश्चन हो जाए। अरबाज, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है यस सर, बोलो। सर ये बीम वर्क फ्लो क्या है सर? बीम वर्क फ्लो मतलब होता है जैसे कि खाना बनाने का पूरा एक वर्क फ्लो है ना, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, घी, अचार, जो भी खाते हो, राइट। ठीक है, पूरा एक सिस्टम है ना खाना खाने का, तो इसको खाना खाना है, रिजल्ट हो गया, बी मॉडल हो गया। और उस रिसर्च को करने के लिए क्या क्या करते हो, चावल को धुला, दाल को धुला, जो भी चीज़ें करते हो, सारा का सारा प्रोसेस हो गया। तो बीम वर्क फ्लो मतलब कंप्लीट एक मॉडल को कंप्लीट करने का फ्लो, काम क्या क्या काम होगा उस वर्क फ्लो में, एक जगह रैबिट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। रैबिट इज नॉट अ बीम, रैबिट इज द सॉफ्टवेयर विच हेल्प इन बीम वर्क फ्लो। ठीक है, जैसे कुकर, कुकर क्या है, कुकर क्या बोलते हैं, खाना थोड़ी बनाता है, कुकर खाना बनाने का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें आराम से चावल दाल आपका जल्दी जल्दी पक जाता है, आपका समय बचाता है, ऑल डिसिप्लिन है कुकर ना, उसमें चावल भी बना सकते हो, दाल भी बना सकते हो, और मेरे रूममेट्स हैं वो लोग सब्जी ही बना लेते हैं, तो क्या हो गया, वर्क फ्लो में कई डिसिप्लिन इन्वॉल्व हो गई कुकर की वजह से। तो ऐसे ही रेबिट है, रेबिट बीम वर्क फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, समझ गए। ओके, और ये अमरेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, अमरेश बोलो। हाँ सर, बोलो, एक मिनट अमरेश रुके रहो, यस सर, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये बोल रहा था कि 3D बनाने के लिए तो हम लोग 3D सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, और करेक्ट, 4D, 5D, 6D, 7D के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ठीक है, आगे के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। देखो अभी अभी तुमने पढ़ा ना, सस्टेनेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर के भी नहीं होता ना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5D तक सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। 5D तक कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे? 5D तक सॉफ्टवेयर चेक करते हैं नेविस्वर को। ठीक है, 4D और 5D के लिए नेविस्वर यूज करेंगे, 3D तक के लिए ऑलरेडी तुम जो पढ़ रहे हो ये सफिशियंट है। 6D में क्या चेक कर रहे हैं? 6D में चेक कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है,
वो सब एक कुछ क्रॉस चेक डाटा होते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज आती हैं, वो चेक करती हैं कि आपकी बिल्डिंग कितना ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, उसके बेस पर सर्टिफिकेट बनाकर चले जाते हैं, दैट्स इट, समझ गए। और आगे बीएमएस होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एडी में जो होता है वो आगे पढ़ाऊंगा तो समझोगे उसके बारे में, ठीक है। ओके सर। ओके चलो अमृत साहब बोल दो अपना क्वेश्चन, फिर वैष्णवी का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस सर अमृत भाई, जो प्लान 2 भेजे थे तो करेक्ट उसका मैं वाल वाल क्रिएट कर दिया था, डोर विंडो करेक्ट, और मतलब ऊपर रेलिंग पैरापिट कर दिया था, लेकिन सर बालकनी में करने में बालकनी का जो वाल है मतलब वो सेपरेट जो वाल होता है उसको मतलब कुछ 3 फीट रखना चाहता हूँ, तो वो सिलेक्ट कैसे करना पड़े वो डाउट आ रहा था। जो बालकनी की वॉल है उसको अलग से सेलेक्ट करना चाह रहे हो, हाँ सर क्यों? बालकनी का हाइट रखना पड़ेगा ना कुछ 2 फीट, पूरा तो नहीं रख अच्छा सकते अच्छा हैं अच्छा दस अच्छा अच्छा फीट समझ 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 गया। कुछ नहीं करना है, वॉल कमांड लेना है, 9 इंच वाली जो वॉल ले रहे हो वही वॉल लेना है, बस उसमें तुरंत रीटाइप करना है, डुप्लीकेट बनाना है। क्या बनाना है? डुप्लीकेट, और उसका नाम दे देना है बालकनी, ठीक है। बालकनी देने के बाद ओके करना और नहीं। तुरंत नहीं सर, बोलो। सर वो वाले वॉल पे सिलेक्ट करने से पूरा टोटल एक साइड ही सिलेक्ट हो जा रहा है, सेपरेट से नहीं हो रहा है। होगा ठीक है, जब हम क्या हो रहा है वो तो वॉल एक साथ सेलेक्ट कर लिए ना, अभी देखो क्या कर रहे हो, जब तुमने वॉल को सेलेक्ट किया, वॉल को सेलेक्ट करने के बाद जब अब तुम दूसरी वॉल बनाने जा रहे हो तो तुम 9 इंच को नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर 9 इंच को भूल जाओ, तुम जेनरिक ले लो, वॉल लेने के बाद जेनरिक नॉर्मल वॉल ले लिया कोई भी, ठीक है। लेने के बाद एडी टाइप पर चले जाओ, वहां पर डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करके उसका नाम दो, और उसके बाद उस वॉल को ड्रॉ कर लो, और उसको ड्रॉ करने के बाद वो 10 फीट का वो भी बनेगा, फिर इसको सेलेक्ट कर लो जैसा तुम चाह रहे हो, शायद तुम 3 फीट का बनाना चाह रहे हो उसको, राइट? तो उसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके जैसे उसका हाइट 3 फीट दो तो अपने आप 3 फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। यही पूछ रहे हो, कुछ और पूछ रहे सर हो? अगर नहीं, वही पूछ रहा था, लेकिन सर अगर मैं टोटल एक साथ में 9 इंच में टोटल प्लान को बना दिया ठीक हाँ है, तो जो 2 फ्लोर है या 3 फ्लोर है टोटल कॉपी कर दिया था, मतलब 0 लेवल से 1 लेवल तक, हाँ 1 लेवल से 2 लेवल तक, तो करेक्ट, वहां वहां से बालकनी का हाइट मैं चाहता हूँ 3D मॉडल से कट करने के लिए। करेक्ट है। फिर उसके लिए बिल्कुल सही बोला देवाई ने, उसके लिए इस वॉल स्प्लिट कमांड नहीं यूज करना पड़ेगा, जहां पर मिरर कमांड है उसके जगह पे स्प्लिट कमांड है, ठीक है। बगल में स्प्लिट मतलब होता है काट देना, जहां से तुमको बालकनी निकालना है वहां से पॉइंट्स पे काट दो, जैसे काट दोगे तो वो वॉल कनेक्ट इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे मेन वॉल से। अब उस वॉल की हाइट तुम अपने हिसाब से जितना चाहो उतना सेट कर दो, बालकनी रेडी, स्प्लिट कमांड यूज करो। और सर वो जो मतलब जो 3D मॉडल का व्यू है उसमें पता नहीं चल रहे हैं कहाँ पे बालकनी है, मतलब एक साथ वॉल क्रिएट करने से। पता नहीं चला कहाँ बालकनी, तो 3D मॉडल में क्यों देख रहे हो, टॉप मॉडल में देखो ना, मतलब लेफ्ट प्लान में देखो ना, प्लान में देखोगे ना कि कहाँ पर बालकनी है। प्लान में तो पता चल रहा है, लेकिन जो 3D हम मतलब एडिट करेंगे हाँ तो 3D व्यू में जाके करेंगे या 2D फ्रेम नहीं, में करेंगे। 3D में कोई काम नहीं किया जाता है, 3D सिर्फ देखने के लिए होता है, हर एक काम 2D में ही होगा, ठीक है। तो 2D में जाके उसको स्प्लिट कर दो, 3D में मत करो, 3D से कोई लेना देना नहीं उसका, ठीक है। चलो वैष्णवी ऑन योर और माइक, सर और जस्ट मिनट सर और एक वैष्णवी, जस्ट प्रश्न, मिनट वैष्णवी, हाँ बोलो 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 सर बोलो, जो प्लान 2 भेजे थे तो हाँ सर, हाँ सर, सर जो प्लान 2 में सर ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, करेक्ट, तो ग्राउंड फ्लोर में तो हमारा मतलब प्लान था, तो उसमें एंट्रेंस नहीं था, कुछ पार्किंग के लिए नहीं था, तो उसका करेक्ट। नीचे वाला फ्लोर कैसे हम मॉडल बनाएंगे। माइनस में लेवल बना के बना देंगे, नीचे की तरफ अपार्टमेंट रहा होगा ना, तो अपार्टमेंट तो नीचे खुला ही रहता है, ठीक है। तो एक नीचे लेवल बना दो, माइनस में एक लेवल बना दो, हाँ और उसका सिर्फ बीम बीम में ड्रॉ कर दो, कॉलम ड्रॉ कर दो, बाकी खुला रहने दो, अपने आप सब जगह ही जगह है नीचे जाने के लिए, सिर्फ कॉलम बना दो, कॉलम कमांड तो पता ही है तुमको, कॉलम लगा दो बस खत्म वहां पे, सर, ठीक कलम है। का तो सर लेक्चर में सर पढ़ा नहीं शायद आप, अरे सीधे वॉल मतलब पांच वॉल ले पांच अरे नहीं उसको मत देखो ना, ये देखो ना, अभी स्क्रीन तो देख ही रहे हो, वॉल है, डोर है, विंडो है, उसके बगल में वो कॉलम है,
ले लो फटाफट टिक करके लगा दो। ठीक है चलो कोई ना, दिखेगा मॉडल देखेंगे तब समझ जाएगा तुमको, आइडिया लगेगा। ठीक है मॉडल वैसे भी हम लोग कल चेक करने वाले, तो उसमें देख के बता देंगे। ठीक है जितना बन रहा है उतना बना डालो, बाकी जो नहीं बन रहा है जब मॉडल सामने रहेगा तो ज्यादा सबको समझ जाएगा, मैं करके दिखा दूंगा। नहीं सर, अभी अभी मतलब रैबिट पहली बार सीख रहे हो ना, तो प्रॉब्लम आ रही है कोई मतलब। दिक्कत नहीं, आने दो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ही तो तुमको मजबूत करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा तुम मेहनत करके सीखो उसको। ठीक है तो जितना तुमसे बन रहा है उतना बना डालो, उसके बाद मुझे फाइल को भेज देना, कल पूरा डाउट लेक्चर ही रखने वाले हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा, पढ़ाना कुछ नहीं है। आपके मॉडल्स में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं बना के दिखाऊंगा, यही टास्क रहेगा कल का। ठीक है क्योंकि अभी चौधरी प्रोजेक्ट ठीक है आज जो सर, बनाने वाले हो इसमें बहुत ज्यादा डाउट आने वाला है, इसलिए जानबूझ के इसको दे रहा हूँ। डाउट ढेर सारा आएगा, क्वेश्चन ज्यादा पूछोगे, मजा ज्यादा आएगा, सबको सीखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वैष्णवी का। मेरा तो तीनों पूरा प्रॉप प्रॉप। बोल दो बोल दो बोल बोल बोल, जस्ट हेलो मेरा वैष्णवी, जस्ट सॉरी जस्ट इसका कंप्लीट होने दो, नहीं तो इसको लगेगा सर ने मेरा कंप्लीट नहीं होने दिया। यस बस अमरीश बोलो लास्ट क्या बोल रहे थे। सर, प्लान 1 2 3 तो मॉडल पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कैसे समझूंगा? ये तो मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है हाफ ये हाफ तीनों हुआ का। है, जितना हुआ है उतना तो भेज सकते हो ना, जितना हुआ है हाँ भेज उस दिया मैं उतना भेज। मतलब। ठीक है अभी चौधरी को भी बनाओ, जितना बन रहा है उतना मॉडल बनाना, जो कॉर्नर लगता है कि सर ये वाला मैं नहीं बना सकता छोड़ दो उसको, वॉल तो बना सकते हैं ना सिंपल वाला, सिर्फ सिंपल वॉल तो बना सकते हैं, डोर विंडो लगा सकते हैं, स्लैब लगा सकते हैं, फ्लोर लगा सकते सर हैं। प्लान, हाँ प्लान 1 2 सर मैं करके भेज दिया हूँ, लेकिन हाँ ठीक है जितना तुमसे बन रहा है उतना तुम 3 मेल, बना है नहीं। कोई बात नहीं जितना तुमसे बन रहा है उतना बना के हमको मेल कर दो, उसमें डोर विंडो वॉल फ्लोर इतना तो सभी बना सकते हैं, इतना बना के भेज दो, बाकी मैं बना के दिखा दूंगा, दैट्स इट। ठीक है चलो वैष्णवी के क्वेश्चन अभी ले लेते हैं। यस वैष्णवी बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मेरे ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही है रेविट में, मैं ओके कुछ ट्राई प्रॉब्लम? कर रही हूँ लेकिन मैंने आपको जो व्हाट्सएप भेजा है ना हाँ हाँ तो वो स्क्रीन आ रही है, मैंने आपको अच्छा व्हाट्सएप में भेजी हूँ। जस्ट अभी भेजा है क्या? हाँ हाँ शायद। ओके सम एलिमेंट वर लॉस्ट ड्यूरिंग द इम्पोर्ट एक्टिव प्राइमरी। ओके वो बोल रहा है कि जिससे कुछ तुम्हारी फाइलें कुछ मिसिंग हो रही हैं। ठीक है तुमने उसको लेवल लेयर्स में बनाया है क्या जो ऑटोकैड की फाइल है? नहीं सर, ओके क्या करो, ऑटोकैड की जो फाइल है उसमें से डोर विंडो वगैरह सब कुछ सॉरी ये सब जो ग्रीन एरियाज वगैरह सब कुछ हो उनको डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद ओपन करो एक न्यू विंडो में। हाँ किया क्या? हाँ सर, हाँ सर किया मैंने, पूरा डिलीट किया, हाँ सिर्फ लाइंस थी, थोड़ी लाइंस थी लेकिन वो भी इंपोर्ट नहीं हो रही। ठीक है देखो इसमें दिखा रहा है कि सम एलिमेंट वर लॉस्ट ड्यूरिंग इंपोर्ट एक्टिव एक्स। ठीक है इंपोर्ट कर रही हो, क्या कर रहे हो तुम, इंपोर्ट कर रही हो, इंपोर्ट कैड कर रही हो कि इंपोर्ट लिंक ऐड कर रही हो? इम्पोर्ट कैड, इंपोर्ट कर रही है तब तो यार बन जाना चाहिए फिलहाल, अगर नहीं बन रहा है तो फॉर नाउ यू कैन जस्ट ट्राई लिंक ऐड, एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है और वहां पर बिल्कुल सही बोला, एक बार पर्च कमांड ओके यूज कर लो ऑटोकैड में, हो सकता है कुछ अनवांटेड फाइल हो रही है जो इंपोर्ट नहीं होने दे रही है, तो ऑटोकैड पे लिखो पर्च, और पर्च लिखोगे तो उसमें आएगा सब कुछ, पर्च ओके पर्च ऑल ऑप्शन ले लो, सब फालतू की जितनी फाइलें होंगी उसके साथ वो यस डिलीट हो जाएंगी, उसके बाद इम्पोर्ट करो, देर आर बिग चांसेस कि इम्पोर्ट हो जाएगा, फिर भी नहीं होता है तो हम कल अपने ओके लैपटॉप में सर, करके देखेंगे। ठीक है चलेगा ओके सर, ओके। आसिफ कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस आसिफ बोलो। आसिफ राजा ओके मे बी नॉट ऑडिबल नाउ। ठीक है वीरज तुम कुछ हेलो पूछना चाहिए? सर। हाँ आसिफ बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें इसमें फाइल यस फॉर्मेट 3 होते हैं, डॉट आरवीटी, डॉट आरएफए, डॉट आरएफटी। हाँ ठीक है करेक्ट इसमें आरएफए तो होता है ये फैमिली का, ये हाँ टेम्पलेट जो होता है आरएफटी, हाँ ये किस वजह से यूज करते हैं हम, क्या अरे इसका वाह, पर्पस है? अभी तो एंट्री किए हो ना। ठीक अभी टेम्पलेट का पूरा आगे पढ़ोगे। ठीक है टेम्पलेट्स एक्चुअली बनाए जाते हैं, ठीक है क्या होते हैं कि जैसे कि तुमको अभी मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है अभी एक बॉर्डर दिख रहा है तुम्हारे पास, ये मेरा खुद का टेम्पलेट्स बन सकता है ना ये। ठीक है ठीक है
तो यस फोर होते हैं, बट उनको जो बताया मैं वो सुनाऊँ ठीक है। तो ये टेम्पलेट मतलब होता है पर्सनल टेम्पलेट्स हम बना के सेव कर सकते हैं, उसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा, एक पूरा क्लास ही होगा पूरा, तो वहाँ पर समझ आएगा। अभी बताओ पूरे मॉडल बन पा रहे हैं कि नहीं, जो मेन अभी का काम है, तीनों मॉडल बन गए क्या? जो तीनों हाँ मॉडल थोड़े दिए बन गए हैं मॉडल, थोड़े बन गए कुछ स्टेयर अभी, केस में मेरे। अब इससे के छोड़ दो, तुम से जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ो, मैं कहता हूँ पूरे मॉडल में 30% बन रहा है क्या, बना डालो ठीक है, क्योंकि 30-40 होगा, 40 का 50, सर 100 हो जाएगा पता नहीं चलेगा ठीक है। तो आज चौधरी प्रोजेक्ट बनाना ठीक है, चौधरी प्रोजेक्ट ओके बना के ये पीडीएफ को पढ़ना, वो छोड़ दो टेम्पलेट को, लास्ट में पूरा डिस्कशन डीप में करने वाले हम लोग कि क्या नहीं समझ में आया हमको ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते ओके हैं, सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं देवई का ठीक है, उसके बाद वीरेश का लेते हैं, फिर राहुल का, फिर आज का क्लास नमस्ते करते हैं। यस देवई बोलो। सर मेरा रिज्यूम रिव्यू करना है क्योंकि मुझे अप्लाई करना है अभी, तो फिर ओके आपको टाइम कब है, मतलब मुझे रिव्यू करके चेंजेस चाहिए थे उसमें। ओके ठीक, तुम भेज के रखो ठीक है, कल के क्लास में ही हम पहले चेक कर लेंगे, और चेक करके उसी समय तुमको हम बता देंगे कहाँ कहाँ पर करेक्शन है, तो उसको करेक्शन करके बता दो ठीक है। बाकी एक जनरल ओवरव्यू चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं मॉर्निंग में तुमको बता दूंगा व्हाट्सएप पे ही जनरल ओवरव्यू के लिए ठीक है। ठीक है मैं अभी भेजती हूँ फिर हाँ आपको भेज दो व्हाट्सएप अभी ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में तुमको जो जो करेक्शंस मुझे दिखेंगे मैं बता दूंगा ठीक है, चलेगा। पे। और एक था कि वर्ली और एटकिंस, पता है क्या आपको वर्ली और एटकिंस? क्या है मतलब एटकिंस कंपनी की बात कर रहे हो? कंपनी के नाम है? हाँ पता है ना, बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ बॉम्बे में, हाँ पता हाँ है वही हाँ। तो, उधर तो मुझे तो अच्छा वाला रिजन चाहिए, क्योंकि फिर एक बार रिजेक्ट हो गया ना तो वो अभी फिर हमारे एक टेस्ट वन ईयर के फ्रीज लिए वो, हो, फ्रीज हाँ कर देंगे 1 ईयर के लिए, फ्रीज कर देंगे। अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट का वहां पर सिलेक्शन हाँ हुआ था तो इसीलिए ठीक है, हमारे मुझे रिज्यूम ही अच्छा भेजना है सर ठीक फिर। है, तो मुझे दिखाना हम बता देंगे ठीक है, चलेगा। राहुल ठीक शर्मा है जी सर, ओके ठीक है, राहुल शर्मा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, बीरज जी रुक, बीरज रुक जाइए थोड़ा सा, राहुल शर्मा का करके तब दोबारा लेते हैं। यस राहुल बोलो। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, सर मैंने जैसे आज ही मेरा इंस्टॉल हुआ रैबिट, तो प्लान वगैरह तो मैं नहीं बना पाया था, करेक्ट, तो मैं अभी करंटली का बनाऊं कि प्रीवियस हम वो चालू कर दूं? नहीं क्या होता है ना, प्लान करने की स्टेप्स है, स्टेप्स क्या है कि सबसे छोटा प्लान प्लान वन, हाँ वहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा हार्डवेयर मेंटेन करना पड़ेगा, पहले प्लान वन बनाओ, फिर टू बनाओ, फिर थ्री बनाओ, ये हो गया बेसिक। आज का जो है ये बेसिक प्लस है, ये मतलब इंटरमीडिएट नहीं है, ये बेसिक प्लस है, मतलब बेसिक का हाई लेवल है ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बनाओगे तो कंफ्यूजन हो सकता है ओके ठीक ठीक है, उसको बना लो फिर उसको दिखाओ है सर, ठीक है, मैं आगे देखो। प्रीवियस ही स्टार्ट हूँ ठीक यस चलेगा। वीरज कुछ है। बोलना चाह रहे हैं? यस वीरज ओके बोलो। सर ओके 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 सर राहुल, यस वीरज हेलो बोलो, यस वीरज बोलो। सर, अगर हमने कोई मतलब कंपोनेंट बनाया और उसे किसी 3D फाइल में मतलब हम कोई कर इलिवेशन सकते हो, बना रहे उसमें यूज कर ऐड सकते हो, करना हो तो कैसे कर सकते लोड इनटू प्रोजेक्ट जैसे ही बना लेते हो, सर? और मतलब करेक्ट बोलो बोलो। जी वो मतलब हो नहीं रहा है सर, मतलब वो कुछ इंपोर्ट मतलब 3D फाइल में पेस्ट किया तो जहां करना है वहां नहीं हो रहा, मतलब कहीं और हो रहा था। ओके ठीक है, मे भी कुछ मिस्टेक कर रहोगे अपने रेबिट फैमिली फाइल में, अदरवाइज सिंपल लोड इनटू प्रोजेक्ट जो कॉर्नर में होता है तुमको पता ही होगा, लोड इनटू प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो फाइल इंपोर्ट हो जाती है ठीक है। फाइल बना के रखो ठीक है, अगर तुमको चाहिए होगा तो हम इंपोर्ट करके दिखा देंगे, बहुत सिंपल स्टेप है ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप ओके है, सर। अगर तुम कुछ बना के रखो मैं सर उसको इंपोर्ट कर और दूंगा। बोलो नेक्स्ट। एक था, हम मतलब कलर कर रहा था मैं, और कोई कलर ऐड नहीं हो रहा सर, कोई मतलब ऐड होता तो सिर्फ येलो कलर ही दिख रहा है मुझे, एक्चुअल जब कलर पेंट करते तो। ये तो गलत, पेंट बनाया क्या तुमने? जी सर मतलब बनाया था, सिर्फ कलर करना था मुझे, सिर्फ येलो आ रहा था उधर से। करेक्ट, कुछ गलत बना रहे हो तुम इसका मतलब ठीक है, क्योंकि अगर तुम येलो बना, सिर्फ येलो कैसे आएगा प्रैक्टिकली? मैनेज पे जाके मटेरियल्स को क्लिक किया था, मैनेज पे जाके मटेरियल्स पे क्लिक जी किया सर था, वो किया था लेकिन वो पेंट में मुझे नहीं दिख रहे वो कलर सर। वो पेंट में नहीं दिख रहा है वो ठीक है। उसके जी बाद एड पेंट करते तब नहीं दिख रहा है।
कुछ मिस्टेक कर रहे हो वीरेश, पक्का है? ठीक है, रुक जाओ, कल मैं करके दिखा दूंगा, बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तुम अभी चाहो तो मटेरियल मत अप्लाई करो, विदाउट मटेरियल ही बना डालूंगा। ठीक है, तो कल भी हम लोग डाउट लेक्चर जी लेने सर, वाले हैं, तो उसमें क्या करना, मैं ओके, तुम्हारे सामने एक मटेरियल बना के दिखा दूंगा, वैसा ही तुम भी ट्राई कर लेना। ठीक है, जी सर, चलो ओके। आकाश गोपी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस आकाश बोलो। ठीक है, बाकी लोग याद रखेंगे, कल आपको गैस चौधरी बजट फाइल। बनाना है और ये बेसिक पीपीटी पढ़ना है, स्टार्टिंग का दो, लास्ट का दो पेज। यस आकाश बोलो। गेट फाइल इंपोर्ट करने के बाद उसमें वॉल तो बना रहेगा, 3D वॉल। उसके बाद डोर विंडो टॉप व्यू से हो नहीं रहा है। हाँ तो टॉपिक में कैसे दिखेगा डोर विंडो, अगल बगल हो ही रहेंगे ना। ठीक है, तो डोर विंडो आप ऐसे भी नहीं लगा सर, सकते अप्लाई नहीं हो रहा टॉप व्यू से। हाँ हैं। कैसे अप्लाई नहीं होगा, जब वॉल बना है तो फिर वॉल डोर विंडो तो अप्लाई होगा ना। क्या पता नहीं दिखा, सर, हो नहीं रहा। क्या एरर? साइड व्यू से हो रहा है, हाँ और टॉप व्यू से नहीं हो रहा है। साइड से हो रहा है लेकिन टॉप से नहीं हो रहा। मुझे एक छोटा सा ऐसे करो कि ऐसे बनाते समय कैसे व्हाट्सएप का वीडियो ऑन करके जस्ट ऐसे क्लिक करो कि टॉप व्यू, और ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है, जैसे ऐसे मुझे एक वीडियो भेजो छोटा सा एक व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं ओके तुम्हें बता सर, दूंगा, ठीक है, पता चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर रहे हो, उसके वजह से हो रहा होगा। ठीक है चलो, और कल हम लोग चौधरी प्रोजेक्ट को बना लेंगे गाइस, और लेक्चर 5 तक सफिशियंट है हम लोग के लिए अभी। धीरे धीरे मैं अभी ज़्यादा कमांड्स आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, कम कमांड से जब ज़्यादा काम करोगे तो लर्निंग आपकी उतनी ही ज़्यादा अपग्रेड होती चली जाएगी, जो ऑलरेडी धीरे धीरे हो रही है। आपको लगता है कि सर मैं ये चीज़ नहीं बना पा रहा हूँ, आप बिना किसी टेंशन के उस चीज़ को छोड़ दो। ठीक है, उस चीज़ को मैं बना के दिखा दूंगा, जितना बना पा रहे हो उतना बना डालो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग्स। ठीक है, तो कल आप चौधरी प्रोजेक्ट तक मतलब 4 प्लान बना के एक्चुअली टोटल आएंगे, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 जो सबका बन चुका है, और चौधरी प्रोजेक्ट। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाउट लेक्चर रखने वाले हैं, हर एक प्रोजेक्ट में आप आधा घंटा लो, 15 मिनट लो, 10 मिनट लो, पूछो कि क्या क्या नहीं आ रहा है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी क्या बोलते हैं, दे भाई आप अपना रिज्यूम भेज देना, हम देख के बता देंगे और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो होप सो कि आज मेरा पहले 12 GB का वीडियो सॉरी ये डाउनलोड हो जाए। मैंने कुछ 300 रुपये का इसका रिचार्ज आता है मैंने देखा, तो वो रिचार्ज किया, तो उसी से कर रहा हूँ मोबाइल से पहली बार, होप सो हो जाए, देखते हैं। ठीक है चलो, ठीक है।